दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप स्नैपचैट एप्लीकेशन को चालू करना चाहते हैं और आप अपना पुराना वाला यूजर आईडी और अपना पुराना वाला आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आखिरकार स्नैपचैट अकाउंट को आप कैसे वापस चालू करेंगे, कैसे अपने स्नैपचैट अकाउंट को रिकवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी के साथ बताया हुआ है कि आखिरकार स्नैपचैट अकाउंट को कैसे रिकवर किया जाता है। अगर आपका पासवर्ड आपको नहीं पता है, आपको आपका यूजर नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अगर आपका पहले से डाउनलोड है तो उसे आपको डिलीट करना होगा और डिलीट करने के बाद फिर से आप स्नैपचैट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसे मैंने यहां पर डाउनलोडिंग में लगा दिया है, और इसे आपको लेटेस्ट वर्जन में हमेशा डाउनलोड करना होगा। जैसे आपका स्नैपचैट एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा फिर आपको इसे ओपन करना होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करेंगे क्योंकि हमारा स्नैपचैट एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है और अभी हमारे सामने ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। तो ओपन बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपका स्नैपचैट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, एक मिलेगा साइनअप का और एक मिलेगा लॉगिन का। साइनअप का मतलब होता है कि आपका एक नया अकाउंट बनाना है, यानी कि एक नई आईडी क्रिएट करना है, लेकिन लॉगिन करने का मतलब होता है कि आपका पुराना वाला आईडी आपको लॉगिन करना है। तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे अलाउ पर क्लिक कर देना होगा। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा यूज ईमेल आईडी और यूजर नेम एंटर्ड। अगर आपका यूजर नेम या आपको ईमेल आईडी पता है तो आप अपना इस पर क्लिक करके अपना यूजर नेम या अपना ईमेल आईडी आप डाल देंगे। अगर आपको यूजर नेम नहीं पता है तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, लेकिन अगर आपने एक भी बार अकाउंट बनाया होगा और अपने स्नैपचैट आईडी का पासवर्ड सेव किया होगा तो यहाँ पर आपके सारे अकाउंट आपको सजेशन में आ जाएंगे। तो अपने अकाउंट को आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपका पासवर्ड भी आपको पता चल जाएगा। जैसे हम इस पर फिलअप करेंगे तो जैसे हम इस पर डालेंगे तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों आ जाएंगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको यहाँ पर मिलेगा फॉरगेट योर पासवर्ड। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा व्यू फोन और मिल जाएगा व्यू यहाँ पर ईमेल। आपको अपने ईमेल आईडी से फॉरगेट करना है या आपको अपने मोबाइल नंबर से, तो आपने आईडी जिस डॉक्यूमेंट्स का यूज करके बनवाया हो यानी कि बनाया होगा फोन नंबर से ईमेल आईडी से उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर फोन नंबर का यूज करके बनाए थे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे मिल जाएगा सबमिट बटन। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपके सामने आ जाएगा पासवर्ड और यहां पर आ जाएगा कंफर्म पासवर्ड। अब आपको इस पर क्लिक करके जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं, अपना एक नया पासवर्ड आप यहां पर क्रिएट कर लें, वही पासवर्ड आपको यहां पर डालना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें तो आपके आईडी का एक नया पासवर्ड यहां पर बन जाएगा। तो यहां पर हमारा पासवर्ड बन चुका है और पासवर्ड आपको स्ट्रांग बनाना होगा, यानी कि आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि किस तरीके से बनाना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब आपका जो भी यूजर नेम होगा वो आपका ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपना वही पासवर्ड अभी जो आपने बनाया था वो आपको यहां पर पासवर्ड डालना होगा और यहां पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा, आपके सामने आ जाएगा वेरीफाइड डिवाइस का ऑप्शन और आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा अगर आपने अपने आईडी पर टू स्टेप वेरिफिकेशन चालू किया होगा। अब यहां पर आपको अलाउ करना होगा, टर्न ऑन बटन पर क्लिक करना होगा और अपने कॉन्टेक्ट और पिक्चर यानी कि कैमरे का परमिशन अलाउ करना होगा। अब यहां पर देखेंगे कि हमारा स्नैपचैट ओपन हो चुका है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारा स्नैपचैट चालू हो चुका है, कोई भी हमारे सामने परेशानी निकल के नहीं आई हुई है। अब आप अपने आईडी पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको एक आईडी का विकल्प मिल जाएगा, जैसे ये है अकाउंट, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका यूजर नेम आपको दिखाई दे जाएगा और इस तरीके से आपका स्नैपचैट का जो पुराना आईडी होगा वो आपका चालू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा आज का वीडियो देखने के बाद आप जान गए होंगे, सीख गए होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।